अरे राधा, राधा। अरे पहल आ रही तो? हाँ आ जा, अंदर चलते हैं। चल पहल बैठ। और सुनाओ क्या चल रहा है? बस बढ़िया। और बता, उनका पति का फोन आया है? नहीं। हाँ उनका तो फोन आ जाता है रोज शाम को। तू बता उनका फोन आया? मिल जाए कुछ लाऊं? चाय सुबह वाली लिया हूँ। ना 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 वो अभी वाले। अच्छा कैसी पीती हैं? अदरक वाली। अदरक वाली वही कम मीठी, मेरे ऐसी ही पीती है। आप भी कम मीठी लेकिन कड़क। अदरक खत्म हो गया था सुबह वाली में, इसलिए उसमें पड़ा हुआ है। ये राधा ये बार बार कान में क्या कह रहा है? सुबह वाली क्या? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे जाना चाय बना दो। अदरक खत्म हो गया ना इसलिए। अरे अब अदरक खत्म हो गया तो इलायची डाल दे रहा। इलायची भी खत्म हो गई है, सुबह वाली लिया उसमें पड़ी हुई है। सुबह वाली इलायची क्या मतलब क्या? अरे इलायची भी खत्म हो गई है। इलायची खत्म हो गई दूध की चाय बना ला कड़क वाली। हाँ जा जा। दूध भी खत्म हो गया, सुबह वाली लिया उसमें दूध भी है। क्या क्या कोई परेशानी है दादा? दूध भी खत्म हो गया ना। दूध खत्म हो गया तो एक गिलास पानी पिला दो। जा पानी ले। आरो का नहीं है। एक काम कर, सादा पानी लिया जा। सादा पानी? राधा ये क्या है, घर मेहमानों को बुलाया है कि दूध नहीं है, कि अदरक नहीं है, पानी भी नहीं है। अरे ये ना आज ही हो गया, वो सुबह की चाय रखी है। हाँ ये चाह रहा है कि चाय ना बनानी पड़े। क्या सुबह की चाय दे दूं? अब जा तो कैसे चाय बना कर लेकर आ। टंकी में से भर लाऊं पानी, पीने का तो भरा नहीं आज। अरे पानी भरा हुआ है तो जा तो सही। ठीक है। ये ना परेशान करता है मुझे और कुछ नहीं। राधा ये तेरा नौकर खाना बना लेगा भी, उबाल उबाल के ला के रख देगा मेरे सामने। खाना तो उसने बना के रख रखा है। बना लिया है? हाँ बस ये है ना मुझे परेशान करना है, कैसे भी करूँ। नहीं मुझे बता देना, मेरा तो शंभू ने बना दिया खाना। मैं अरे नहीं नहीं पायल, मैंने तुझे खाने पे बुलाया और वो भी वह क्यों खाएगी? सुबह वाली आटे की बना दूँ रोटियाँ। अरे चुप हो जा अब। सुबह वाली आटे की रोटियाँ तो उसके बाद तो मैं बता। खाना लग गया। लग गया ठूसो वो, सॉरी खा लो। वही बात पायल, चलो खाना खाते हैं। चलो राधा कैसा लगा खाना? तेरा नौकर खाना बहुत अच्छा बनाता है। अच्छा तड़का मार के दाल में आए है मजा। खाना तो अच्छा बनाता है, सब कुछ अच्छा बनाता है, लेकिन वही है ना बस परेशानी करता है बस। अच्छा एक बात बता राधा, खाना तूने क्यों नहीं खाया? अरे पायलो क्या है ना, सुबह मैंने खाना खा लिया था इसलिए मुझे भूख ही नहीं लग रही थी। सुबह खा लिया? तू कहाँ सुबह खाना खाती, तू तो एक दो बजे जाकर खाना खाती है। अरे वो क्या है ना मेरा आज फास्ट था इसलिए खाना नहीं खाया। अच्छा तो ये बोलो ये क्यों कह रही हो कि सुबह खाना खा लिया, फास्ट में कहाँ खाना खाते हैं? खाना नहीं खाते वही तो मैं भूल गई थी। तो कुछ बनवा ली थी अपने नौकर से कोई? अरे कुछ नहीं, मैंने सुबह चाय पी ली थी बस, वही काफी है। अच्छा राधा हाँ आज फास्ट किसका था? आज शनिवार है ना? अरे वो शनिदेव का फास्ट था ना। शनिदेव का फास्ट? हाँ। तुम रखती हो? हाँ। अच्छा रखती हो ना तो इसलिए। और बता क्या क्या मैम साहब जो आपने खाना खाया था मैं बताता हूँ क्या था। अरे क्या अरे क्या क्या मतलब क्या खाना खाया क्या उसमें क्या? फिर परेशान करने आ गया, तू अंदर जा। अरे नहीं अरे क्या नाम है, अरे वो रामू बुला ना, वो कुछ कह रहा था। बाहर कुछ नहीं है, परेशान कर रहा है फिर उसी तरह। यार कुछ कह रहा था उसे बुला। अरे कुछ मैंने आपके अंडे उबाल दिए। क्या जाइए ठूसिए वो, सॉरी खाइए। पागल हो गया तू? क्या अंडे उबाल दिए? इसका तो फास्ट है। अरे मेरा फास्ट ही है। फास्ट कहा है, सुबह इन्होंने ठूस ठूस के खाया है, फिर दोबारा अंडों के क्या कहते हैं मुझ पर वो बनवाया। पागल हो गया है? अरे क्या क्या तमाशा तुम लोगों का इसका, तू जा अंदर जा। क्यों तबीयत तो खराब नहीं हो रही? अरे जा अंदर। क्यों क्या हुआ राधा? पागल हो गया ये। यार ये क्या है कि अंडे वाली खा लो और सुबह ही ठूस लिए, तुम कह रही कि व्रत था शनिदेव महाराज का? अरे मेरा व्रत ही है लेकिन वो खुद अंडे खाता है ना इसलिए अपने लिए अंडे उबाले हैं उसने। लेकिन वो तो तुम्हारी कह रहा है, तुमसे कहने आया। चिकन में मसाला कैसा डालूं? हाँ हाय हाय राम। हाँ बता देती हैं आप मुझे तो थोड़ा सही रहता है। रामू तू अंदर जा। नहीं ये कड़क मसाला खाती है ना चिकन में, अब पता नहीं ये मुझे नहीं खाना। मलाई चिकन या क्या कहते हैं सादा चिकन बना दे। राधा तू जा, मैं जा रही हूँ। आप पायल तो जा। मैं जा रही हूँ। हाँ ठीक बॉइल्ड करके तो पागल हो गया है।
उसके सामने क्यों कह रहा था? आप खाती है तभी तो कह रहा था, आप ही ने तो कहा था कि राधा को दाल खिलानी है और आपको चिकन। ये बताओ उसके सामने क्यों कह रहा था ये बातें? मालूम है, कम से कम 25 दुकानें ढूंढी और एक जगह घुन लगी हुई दाल मिली, उसको लेके आया हूँ एकदम सड़ी हुई, और उसके बाद उसमें 10 रुपये का जमाल घोटा मिलवा के आया हूँ। अभी देखना थोड़ी देर बाद इनके यहाँ से आवाजें आएंगी बुरी बुरी, क्योंकि पूरा बाथरूम ऐसा कर देंगी, पूरा सजा देंगी बाथरूम को। देखा मैम साहब, बदला ले लिया ना मैंने आपका। हाँ, इसने मेरे साथ ऐसा किया था, मैंने इसके साथ कर दिया। हाँ, खैर इन सब बातों को छोड़िए, चिकन रखा है आपका, मलाई लगा हुआ, आइए। शंभू, अरे ओ शंभू। हाँ मैम साहब। कहाँ मर जाता है? अरे मैं कहाँ मरूंगा, मैं अंदर ही था। बोलो बोलो क्या बात है शंभू? मेरे कुछ पेट में गुड़गुड़ हो रही है। पेट में गुड़गुड़? हाँ, राधा क्या गई थी ना खाना खाने के लिए। मुझे लगता है ज्यादा खा लिया मैम साहब आपने। अरे नहीं, मैंने कहा नहीं ज्यादा खा लिया, क्योंकि आप कुछ ज्यादा खा लेते इसीलिए आप मोटी हो रही हैं, और ज्यादा खा लेते इसीलिए गुड़गुड़ हो रही है आपके पेट में। देख मैं तुझसे ना कोई बात शेयर नहीं करती, इसीलिए तू बहुत ज्यादा बोलता है। अरे शेयर करो या मत करो, वो तो खुद ब खुद दिख रहा है ना। मुझसे बहस मत कर, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, क्या करूँ बता ना। अरे मुझे क्या पता क्या करोगी, आपने ज्यादा खाना खा लिया होगा। अरे नहीं खाया ज्यादा खाना। आप ऐसा करो, एक काम करो, कोई बात नहीं होगा दर्द, आप अंदर जाके फ्रेश हो लो, मैं जा रहा हूँ इनो का इंतजाम कर लेता हूँ। इनो? चूरन। चूरन काहे का चूरन? अरे कोई भी चूरन ले आऊंगा, बढ़िया सा। अरे कोई भी चूरन मत ला, डॉक्टर से पूछ के लाना। अरे मैं ले आऊंगा, आप जाओ ना जब अंदर, जल्दी आना। ठीक है ठीक है। तानी आज इनको क्या हो गया, क्या बमबारी हो रही है ये, हैं? क्या तोड़ेंगी घर को, ये फोड़ेंगी क्या, क्या हथौड़ा बजा रही इतनी धूम धड़ाक धूम क्या पता नहीं। अरे नहीं, रामू बड़ा सुकून मिला है। हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो अब चूरन ना लेकर आऊँ ना? नहीं अब मत लेकर आ, चलो चलो, जरूरत नहीं है। अरे वैसे क्या था खाने में? ज्यादा कुछ नहीं, वो अरहर की दाल थी तड़का लगी हुई। अच्छा अच्छा अच्छा। चावल थे रोटी। अरे वाह, मौज आ गई, बहुत क्या मौज आ गई। रामू क्या हो गया, तू चूरन लेके आ, मैं अभी आई। चूरन क्या हो गया है ने? ज्यादा खा लिया, ओवर डाइट कर लिया, गलत सलत तो नहीं खा लिया उन्होंने कुछ, ज्यादा ही माहौल खराब हो रहा है, चूरन लेके आता हूँ। अरे अरे शंभू कहाँ आ रहा है, मत जा। अरे चूरन लेके आ रहा था। अरे नहीं अब थोड़ी राहत मिल गई है, मत जाना। अरे क्या हो गया आपको, अभी तो आप ठीक ठाक आई थी वहाँ से। एक काम कर, बोलो बोलो, कोल्ड ड्रिंक वोल्ड्रिंक रखी है घर में? अरे कोल्ड ड्रिंक बची थी, वो रात को मैंने दारू में मिला के ले ली। रामू तूने दिमाग खराब करता मेरा। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अब ऐसे चूरन की तो जरूरत नहीं है ना। चूरन की जरूरत है, चूरन की जरूरत है मैम साहब। अरे इनको क्या खिला दिया, इस नौकर से जाके पूछूं मैम साहब को क्या खिलाया तूने, नौकर और नौकर के बच्चे, ये तो सुनते नहीं है ये नौकर। इधर पहले तू ये बता कौन सा बारूद खिला दिया मेरी मैम साहब को, जो अंदर पटाखे फोड़ रही है वो। पटाखे नहीं बेटा, अभी तो बमबारी होगी, विस्फोट होंगे, परेशान हो रहा है, पूरा घर तहस नहस हो जाएगा, तुझे पता है? हाँ हो ना वो तो। क्या बात, क्या खिलाया तूने पहले ये बता। मैंने कुछ नहीं खिलाया, मैंने तो कहने पे काम किया है। कहने पे? हाँ। किसके कहने पे? राधा मेम साहब के। ये बता पहले तू किया क्या उन्होंने राधा मेम साहब ने तेरी ने, जो इतनी इतनी तबीयत खराब हो गई हमारी मेम साहब की। क्या हुआ क्या हुआ? अरे उनका पल पल पे पेट खराब हो रहा है। पल पल पे अभी तो बहुत कुछ होना है बेटा। ऐसा था, हमारी मेम साहब तुम्हारी मेम साहब से जलती हैं। क्यों जलती हैं भाई? मुझे क्या पता, मैंने तो पानी डालने की भी कोशिश की लेकिन आग बुझी नहीं। मतलब? मतलब कि ये अंदर दिल से जलती हैं, दिल से। पर जलती क्यों हैं भाई? अब ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जलती हैं इतना पता है। ऐसा है ना, तेरी मेम साहब का और मेरी मेम साहब का फैशन कॉम्पिटिशन है 3 दिनों बाद। अच्छा, तो इस चक्कर में तेरी मेम साहब की तबीयत खराब करने के चक्कर में मेरी मेम साहब। अच्छा, तो वैसे तूने खिलाया क्या, सच सच बताइए। अरे मैंने थोड़ी खिलाया, उन्होंने मुझसे कहा था, मैं गया था धनिया मोहल्ले की तुझे पता है क्या मिलता है वहाँ पे, वहाँ से मंगाई उन्होंने सड़ी हुई अरहर की दाल, घुन लगी हुई, बिना साफ करी कराई दाल में जमाल घोटा मिलवा के 10 रुपये का, और क्या कहते तेरी मेम साहब को खिलवा दी। और तेरी मेम साहब भी बड़े चाट चाट के, जैसे हराम की दाल खाती है ना, ऐसे खा के 4 कटोरी मार। अरे तो भाई जब अच्छी बनेगी उसमें तू सारी चीजें डालेगा तो अच्छी तो बनेगी बनेगी। जमाल घोटा भी तो डाला था बेटा, और उसमें घुन भी थे। अच्छा, इसका मतलब ये सारी कारोस्तानी तेरी मालकिन की है। तो ठीक है, क्या अगर तेरी मालकिन ने इस तरीके की कारस्तानी हमारी मालकिन के साथ की है तो मैं भी बेटे वादा करता हूँ तुझसे। क्या? बस तू देखता जा समय कहाँ बोलता है। ठीक है, मैं देखता रहूंगा, और जो भी बनाना दो लाना। मेम साहब, मेम साहब। हाँ।
मैम साहब अब ठीक हुआ? हाँ ठीक हूँ। ठीक है, कहाँ गया था तू? मैं गया था तुम्हारे सामने वाली जो तुम्हारी दोस्त है ना उनके यहाँ गया हुआ था। मैं ये पूछने गया था कि तुम जो खाना खाने गई थी उनके यहाँ, वो ऐसा कौन सा खाना खिलाया था जो कि तुम यहाँ आकर के बमबारी गोलाबारी कर रही हो? मेरे कौन सा खाना क्या, मैं तुझे बताया तो था अरहर की दाल तड़के वाली। मैम साहब अरहर की दाल में साजिश थी आपके आपके खिलाफ। वो जो अरहर की दाल में तड़का था ना, बस वही तड़का भड़का था। क्या मतलब? मतलब ये कि उस दाल में जो है तड़के की जगह आपको पता है जमाल घोटा का तड़का लगाया था। क्या? आपके लिए। और किसने किया था ये? ये सब तुम्हारी उस दोस्त ने किया था सामने वाली जो है। वो ऐसा क्यों करेगी? वो इसलिए करेगी क्योंकि वो जलती है आपसे। तो उससे कौन बोल रहा था? मुझसे बोल नहीं रहा था, मुझे सब कुछ रामू ने बताया था। अरे वो पिवक्कड़ उसके पिवक्कड़ नहीं है। बातों में देखो, एक नौकर से झूठ नहीं बोल सकता। हाँ। मालकिन और सुनो, और तो और मैं आपको सच बता रहा हूँ कि आपके साथ यही हुआ क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में आपका एक फैशन शो कंपटीशन है। हाँ है। सिर्फ उसी की वजह से मैम साहब, और वो सच ही सच बताएगा। मुझे तो नहीं लगता वो सच बता रहा। मेरी फ्रेंड है, मेरी इतनी अच्छी दोस्त है, वो क्यों करेगी? अगर मैम साहब आपको विश्वास नहीं है, मैं बता रहा हूँ, वो बता रहा है जो उसके घर का नौकर है। अरे घर का नौकर तो भेद भी नहीं देता बाहर वालों को, लेकिन वो मुझे बता रहा है ये। आप सोचिए बात, क्या करूँ, पूछू राधा से जाके सामने से? वो राधा, उसी ने तो आपको आधा कर दिया। और तो और मैम साहब, अब आप कुछ मत करिए, अब आप जाइए उठिए अंदर और जाकर के आराम करिए। हाँ आराम तो करूंगी मैं, तबीयत अभी ठीक नहीं। और अब उसको सबक तो हम सिखाएंगे मैम साहब। क्या करेगा तू? क्या करूंगा, बस यही करूंगा कि जिस तरीके से आपके साथ ऐसा उसने किया जमाल घोटा मिला के, आप भी उसके लिए एक दावत रख लीजिए जो कि फिर हम भी उसके साथ ऐसा ही खेल खेलें। अरे मैं अब क्या दावत, वो थोड़ी ना आ जाएगी अब हमारे। क्यों नहीं आएगी मैम साहब? नहीं आएगी। जब वो आपके पास आ सकती है आपको इनवाइट करने के लिए, तो आप भी जा सकती हैं उसको इनवाइट करने के लिए। काम कर, मैं जा रही आराम करने, तू देख ले अगर आ सके तो तू बोल के देख ले। ठीक है मैम साहब, मैं जाता हूँ। ठीक है, अब तो बेटा तू गई। मैम साहब, राधा, राधा, ए राधा जी। हाँ आया तमीज पे। मैं चल चल, मैं नौकरों के मुंह नहीं लगता। अपने मैम साहब को बोला मुंह नहीं लगता, ले थूक दू तेरे मुंह का। अबे चलना यार, मैम साहब को क्यों बुलाना है? उनसे बात करनी है मुझे। कुछ क्या बात करनी है? कुछ अरे कुछ पर्सनल बातें हैं उनकी हमारी भाई। अच्छा और क्या? ठीक है भेजता। मैम शंभू। मैम साहब नमस्ते। नमस्ते। आज और बढ़िया नमस्ते कर रहे हैं? हाँ मैं बढ़िया। नहीं नमस्ते करना पड़ता है, देखो आप बड़े बड़े लोग हैं तो करना पड़ता है। अच्छा मैं ये कह रहा था, मालकिन बोल रही थी कि रात का डिनर आपका हमारे यहाँ है, तो आपको हमारे यहाँ आना है जरूर। शंभू मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है। नहीं नहीं, अपने मालकिन से कह देना कि मैं नहीं आ पाऊंगी। अरे नहीं, अरे आपके लिए तो इतना स्पेशल डिनर रखा। और सुनो, आप ही नहीं है, उनके भी कुछ लोग हैं जो साथ साथ करेंगे डिनर। जैसे आपने उनको अकेले इनवाइट किया था, लेकिन आपकी तरह नहीं है जो अकेले वो खाएंगी। आपको अकेले के लिए थोड़ी बोला है, और भी लोग आएंगे, साथ में बैठेंगे, साथ साथ खाना। आप और कौन आ रहा है? अरे कोई भी आ सकते हैं। चल तू अब जा, मैं देखती हूँ, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आ जाऊंगी। क्यों नहीं आएंगी आप? आना पड़ेगा। क्या आना पड़ेगा? जबरदस्ती है क्या? बदतमीजी है। आना पड़ेगा आपको। मैं नहीं आऊंगी। क्या कह रही हैं आप? नहीं आऊंगी? अच्छा आप नहीं आएंगी, मतलब इसका मतलब आप हमारी मैम साहब को सड़ी हुई दाल खिला देती हैं और आप खुद नहीं खाएंगी सड़ी हुई दाल? आपको आना पड़ेगा। ये किसने बोला? कैसी सीधी बोल रही बन रही हैं आप? किसने बोला? आपके घर के नौकर ने मुझे बताया सब कुछ। क्या? यस, आना पड़ेगा और जमाल घोटे की दाल खानी पड़ेगी। और तो अगर आप नहीं आई, मामू ने बताया। और सुनो, अगर आप नहीं आई तो ठीक है, फिर मैं जाता हूँ पुलिस थाने और आपकी रिपोर्ट दर्ज करा के आता हूँ अभी। क्या? फिर आप खुद भुगतेंगी, जैसी करनी वैसी वरनी। श्रामू ने बताया, तू जा मैं आ जाऊंगी। जा क्यों जा? आना पड़ेगा रात के डिनर करने के लिए, समझ में आया? ठीक है। और अगर नहीं आई तो रात को फिर देख लेना, पुलिस आपके इर्द गिर्द ही होगी। ठीक है तू जा ना। चलता हूँ। रामू 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 चिल्लाइए मत, आवाज बैठ जाएगी आपकी। ऑफिस बैठ जाएगी। हाँ? एक बात बताओ, लगा रखा है? क्या लगा रखा? परफ्यूम लगा रखा है। ओ साहब दी गई थी सुबह तो मैंने मार लिया। अरे परफ्यूम क्यों नहीं कह रही हूँ मैं? तो उसको क्या बताया शंभू को?
शंभू को सड़ी हुई दाल हमने जमाल घोटा डाल के उसको खिला दी थी। हाँ बताया, वो हमारे नौकर और एक दूसरे नौकरों की बात है, इसमें आप क्यों इन्वॉल्व होती हैं? तो पागल हो गया है। हाँ? उसने पायल को बता दिया। तो मैं क्या करूं, मैंने भी तो आपको बताया था। क्या हुआ? क्या हुआ? तेल लाऊं गरम करके? दिमाग खराब हो गया तेरा, तू पागल है बिल्कुल। पागल हूँ बिल्कुल? वो ना वो मेरे नाम रिपोर्ट लिखवाएगा शंभू। क्यों? इसलिए कि जमाल घोटा डाल के हमने उसको दौड़ खिलाई थी उसके मां के। ये तो आपने गुनाह किया है भाई, सजा तो मिलनी चाहिए। गुनाह मैंने किया है? हाँ? सारी सलाह तूने दी थी मुझे। सलाह? मैं तो सलाह कुछ भी दूंगा, मैं तो ये कहूंगा आप जहर खा लो, आप फांसी के फंदे से लटक जाओ, आपको मैं आप खाई के पहाड़ के पहाड़ पे से गिर कर खाई में डूब के मर जाओ, तो इसमें मेरी गलती थोड़ी है। समुद्र में चले जाओ, पता भी नहीं पड़ेगी तुम्हारी। मैं तो कुछ भी कहूंगा तो आपको मानना ना मानना तो आपके दिमाग के ऊपर है ना। इसके खिलाफ तूने भड़काया था मुझे। नहीं तो आप भड़क क्यों गई? भड़क क्यों गई? हाँ? मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं करूँ तो करूँगी, अगर खाने पे उसके डिनर पे मैं नहीं गई तो वो रिपोर्ट दर्ज करा देगा मेरी। तो सही है ना, बंद हो जाइए, चक्की पीजिए जेल में। नहीं तो जमाल घोटे की दाल खानी पड़ेगी मुझे। और क्या? राधा, ओ राधा। पायल उठ के आओ, चप्पल लेके ना खड़ी हो। अरे तेरा मुंह तोड़ूंगी मैं। पायल? हाँ पायल, क्या हुआ? तूने उसे खाने पे मुझे बुलाया था? हाँ? हाँ? किस लिए बुलाया था? किस लिए बुलाया था? खाना खाने के लिए। खाना खाने के लिए? हाँ? ये वो ब्यूटी कॉम्पिटिशन हम दोनों ने पार्टिसिपेट किया, तो तूने मुझे हराने के लिए मैं उसमें जवान घोटे मिलवाया खाने में, ताकि मैं वहाँ ना जाऊँ। हाँ बड़ी सीधी मंडी है ना, तो मैंने कर दिया तो मेरा नाम ले रही है, बोल दिया तुरंत आके कि ऐसा कर दिया। और जो तूने मेरे साथ किया वो? मैंने क्या किया? अरे मैंने क्या किया, तूने कैसी दवा मिलाई थी उसमें? क्या मिलाया था उसमें? किसमें? मेरा पूरा पेट खराब हो गया, मुझे चक्कर आने लगे, मैं बीमार हो गई, बुखार आ गया मुझे। तो वही तो मेरा हाल हुआ। ये बता मैंने किसमें जमाल घोटा मिलाया जो तूने मेरे साथ इतना बुरा किया? जमाल घोटा नहीं मिलाया, तूने कोई दवा तो मिलाई थी ना? अरे मैंने कुछ नहीं मिलाया, मुझे इतनी उल्टियां हुई थी पता है। अरे मैंने क्या मिलाया, किसमें मिलाया? खाने में। खाने में? हाँ, तेरे नौकर ने बताया। क्या बताया? मेरे नौकर को क्या बताया? ये बताया था कि जो खाना था ना उसमें तूने कोई दवा मिलाई थी। उसने ऐसा बोला शंभू ने? हाँ, तेरे नौकर को? रामू से बोला। और जो तूने अपने नौकर के साथ साजिश किए वो? हाँ, अपने नौकर को सिखा के और वो गंदी संदी सड़ी हुई दाल मंगा के और तड़का की तड़का नहीं था वो जमाल घोटा मिला के तुम लोगों ने मेरा पेट खराब कर दिया, मेरी तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब मेरी भी हुई थी। बुला अपने नौकर को, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, बुला अभी। ठीक है, बुलाती हूँ। रामू। मैडम तबीयत वबीयत ठीक है? चूरन वूरन ले लिया आपने? नहीं। अच्छा चूरन ले लिया सर। ये बता शंभू ने क्या बताया था? शंभू ने? हाँ शंभू ने जो बताया था वो भी ठीक था, जो मैंने बताया था वो भी ठीक था। पायल को बता। वो हम दोनों की साजिश थी। साजिश? हाँ, शंभू की और मेरी। किस चीज की साजिश? आप दोनों में लड़ाई करवाने के लिए। किस लिए? झगड़ा करवाने के लिए। क्यों? इसलिए कि ये हम हमारी फूलवती की पार्टी जाने दे देंगे। फूलवती कौन है? मेरी पत्नी, चौथा बच्चा होने वाला है उसके। तो इसमें मैं क्या करूं? कल घोटी थी मैं। तो मुझे जाने दो ना, तनख्वाह देती नहीं है। तनख्वाह नहीं देती? कब नहीं देती तुझे तनख्वाह में? पायल की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती फिर क्या होता? तो हमें क्या मतलब, ये मर जाए तो भी हमें क्या मतलब? हमारी फूलवती की तबीयत खराब हो रही है। मर जाए और मैं फंस जाऊं? हमारी फूलवती की तबीयत खराब हो रही है, उसे कोई देख रहा है? और उससे पूछना शंभू से उसकी बीवी की कितनी तबीयत खराब है, कभी आपने पूछा? अरे तो तेरी फूलवती की तबीयत खराब है तो घूम आता उसके पास। जाने का देती है? जाने का देती है? तुम्हारा हेडेक है भाई, हमें क्यों लपेटा? तेरी फूलवती तुझे याद करी तो आप दोनों को लपेटा, तभी तो आपने ये सब देखा। मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। अरे पता कैसे नहीं चला, आपके नौकर ने जब जिस दिन मटर पनीर बनाया था उसमें इन्हें दवाई मिला के दी थी। उस पनीर में? पनीर में दवा मिला के दी थी? हाँ। तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। वो तो आप ही का नाम ले रहा था, सुस्त होने की दवाई दी थी, तो ये सुस्त हो गई थी, आज मस्त हुई है 8 दिन में। पनीर तो मैंने भी खाया था, मेरी तो कोई तबीयत खराब नहीं हुई थी। आपके मैंने ही मिलाया, इनकी बाउल में अलग से मिलाया था कटोरी में। इन्हें तो ऐसे चक्कर आए और इनका जी घबराने लगा उस दवा को खा के। मालूम है इनके पति तो फूले नहीं समा रहे थे, खुश होकर ये कह रहे थे लड्डू लेके आऊं। उन्होंने समझा कुछ आने वाला है, लेकिन आने वाला कुछ नहीं था, बस तबीयत खराब थी। अरे कुल मिला के ये है कि इन दोनों ने अपने स्वार्थ के लिए हमें मारने की कोशिश की। इन्होंने ये नहीं देखा हमारा क्या होगा। मैं उसको भी बुलाती हूँ, उसे उसके और क्लास लूँ।
हाँ शंभू बताती हूँ। शंभू क्या कर रहा है? अरे लिया है मैम साहब जवान गोटा। जवान गोटा लिया है तो दोनों पी लो और मर जाओ। मर जाओ दोनों। इसे तो हम खुद ही काम कर लेना। तो तू भी अपनी चंपा के पास, मैं भी चलता हूँ फूलबत्ती। तू अपनी चंपा के पास जा, ये अपनी फूलबत्ती के पास जा। जा मरो यहाँ से, जा मरो। जरूरत नहीं, तू निकल जा इस घर से। तनखा नहीं मिलेगी, तनखा जा। ये इतनी दबा बोली मैं। क्या कहते हैं, पहले फूलबत्ती और चंपा के पास बाद में चले, पहले थाने चलते हैं भैया। आप लोग दोगे नहीं हमें पैसे और हम जाएंगे थाने। अरे अरे ऐसे कैसे नहीं देंगे, अब इनकी तनखा दे दो। ऐसे ऐसे ही दे दो। तो शंभु तू इसे बात कर, तू बता कितने हैं तेरे, तेरे कितने पैसे तू बता। मेरे दो महीने की तनखा है। मेरी चार महीने की। चार महीने की कैसे हो गई? चार महीने की हो गई। आपने दिए कहाँ थे? महीने की तो अच्छा। अरे आपने दिए कहाँ थे? एक महीना तो है। शंभू बहस करने से कोई फायदा नहीं। इन लोगों से बहस करना, अरे भुसमा लठ मारना खा मका। रुक जा, तू घर ले जा, तू इसकी तनखा दे और इसे निकाल। मैं इसकी तनखा दू, मैं इसे निकालू, ठीक है? अभी दो फटाफट, नहीं तो ठीक है शंभू। ओके